कोरबा में कुष्ठ रोग से पीड़ित हितग्राही को शासकीय खाद्यान्न योजना से वंचित होना पड़ रहा है। कुष्ठ रोग के कारण उनका अंगूठा ही नहीं है, ऐसे में थंब मशीन में अंगूठा नहीं लगा पा रहे हैं, जिसकी शिकायत हितग्राही ने कलेक्टर से की है। उन्होंने अपनी परेशानी प्रशासन को बताई है। कोरबा में मुड़ापार क्षेत्र के कुछ हितग्राही को राशन की सुविधा सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि उनके पास अंगूठा है ही नहीं। इन लोगों ने नया विकल्प देने की मांग की है। कहीं भी कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसके लिए सरकार के द्वारा राशन देने की व्यवस्था की गई है। एपीएल के साथ साथ गरीबी रेखा और विशेष श्रेणी के लोगों को अंत्योदय योजना के अंतर्गत राशन देने का काम किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से यह काम चल रहा है। पिछले कुछ महीनों से भारत सरकार के द्वारा प्रति व्यक्ति को 5 किलो अतिरिक्त राशन देने की व्यवस्था भी निःशुल्क रूप से की गई है। इतनी सारी सुविधा के बावजूद कोरबा के मुड़ापार क्षेत्र में स्थित कुष्ठ आश्रम में रहने वाले कई लोग ऐसे भी हैं जो राशन के अभाव में परेशान हो रहे हैं। काफी समय से यह लोग कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं। इसके कारण इनके शरीर में कई प्रकार की दिक्कत आ गई है, इसलिए इन लोगों के मामले में अंगूठा अतीत का विषय हो गया है। राशन लेने के लिए अंगूठा ही सबसे जरूरी हो गया है। जब यही अंगूठा नहीं रहेगा तो समस्या तो होगी ही। कुष्ठ रोगी समारिन बाई और बुधवारा बाई ने बताया कि राशन नहीं मिलने से परेशान हैं। अंगूठा की जगह फोटो खींचकर दिया जाना चाहिए। इधर खाद्य विभाग को मामले में जांच कर हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराने कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं। हम के अंगूठा नहीं आते बाबू का के हम शिकायत करे हम यानी अंगूठा नहीं आते तो चावल नहीं देते कहीं। अच्छा तो अब 2 महीना के पाई है ना सब तब बोला नहीं दे रही ते बाद मोदे फिर दी तब एक राशन नहीं दी तो देख तो मैं घूमे जा नहीं सकू बाबू काला खा बाबू घर में रहो मैं तो कहूँ नहीं जा 2-4 जन में तो चल ही देते घूमे हम नहीं सका था कहके हमारा चौर देवा कहा था। हाँ सोसाइटी वाला ला बोला था तो फोटो लेवा का फोटो में पहले देते रही से चावल अब फोटो में नहीं देते तो अब नहीं देते कही देते हमारा कहना है कि हमें फोटो खींच के हमारा चावल दे कहा था। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।